Good morning, everybody. Am I audible to everyone? Okay. चलिए हाँ ये जी शुरू करते हैं. सभी को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही है किसी को? ओके ओके ओके. क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके. एंड एम आई ऑडिबल टू एवरीवन एंड विजिबल एज वेल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी. चलिए आइए तो फाइनली कुछ अच्छा पढ़ते हैं आज. लास्ट टर्न पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी. इस प्रॉपर्टी के बाद राजा बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कम से कम 4 से 5 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद रखना है. और एज वेल एज इसका जो एप्लीकेशन है बेटा वो मॉड्यूल नंबर 5 मैग्नेटिक फ्लक्स में भी आएगा. तो खैर कोई टेंशन नहीं है, हमें तो बस काम काम की बात याद रखनी है. जो आज आपको फील कराई जाएंगी वो आपको एकदम जम के याद रखना है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या भाई, शब्द का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, पहले तो अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या. देखिए ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वापस से सारी बातें एकदम ढंग से समझा रहा हूँ. अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा करना शुरू करूं तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या बेटा, मैं आपको फील करा दूं. इट इज बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा, इट इज बेसिकली, एक मिनट थोड़ा सा सेटअप सही हो जाए. ओके, इट इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस. अब आप बोलेंगे भाई इसकी जरूरत क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या काम आएगा, बताता हूं. आप बस एक छोटी सी बात समझना, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी फील देता हूं. ये जो सारा ड्रामा चल रहा है ना, एक्चुअली ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ड्रामा है. किसका है भाई साहब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ड्रामा है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सुनिएगा आप, थोड़ा सा आपको नया लगेगा पर मजा आएगा बेटा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है. और ईएम वेव जो है राजा बेटा वो एनर्जी कैरी करके चलती है. क्या कैरी करके चलती है? एनर्जी. अब आपसे मैं बहुत सिंपल सी बात पूछूंगा, बहुत सिंपल सी. उस एनर्जी को नापने का मापदंड ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. मतलब हिंदी में समझिए, मैं अगर आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बात समझाऊं तो फ्लो चार्ट कुछ ऐसा कहता है कि भैया जो ईएम वेव है उस ईएम वेव में एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है. कंपोनेंट है बेटा, उसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है या नहीं, है या नहीं. और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट बेटा, उसके पास कौन सी एनर्जी है? मैग्नेटिक एनर्जी. तो राजा बेटा ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की एनर्जी को नापने का मापदंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता. क्या बात क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी कहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड से. इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दर्शाते हैं? बताइए. इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? तो हमारे लिए राजा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया क्या? काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया. एरिया क्यों? अरे भैया कहीं ना कहीं से तो पास होंगे. हिंदी में समझो, मान लो मैं यहां पर एक सुंदर कन्या बनाया, तो एक मिनट समझना, और इसको मैं एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देता हूं. एसी सोर्स समझ रहे हो? एसी हवा वाला एसी नहीं, करंट वाला एसी. उस एसी सोर्स से अगर मैं पास कर दूंगा तो क्या सुंदर कन्या में से करंट जाएगा या नहीं जाएगा? अरे जाएगा या नहीं जाएगा? करंट जाएगा. करंट जाएगा तो सुंदर कन्या को आनंद की अनुभूति होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी. अब अगर आनंद की अनुभूति होगी इसका मतलब इसमें से जो ट्रैवल करी
वो क्या वेव क्या ट्रेवल करी बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ क्या ट्रेवल करी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस सुंदर कन्या में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रेवल करी उसको मापने का मापदंड है वॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि बेटा जो ट्रेवल कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रही है इस बॉडी में से, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगी आपको, कैसे फील आएगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। बहुत बढ़िया। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस, जैसे अब वो सरफेस हो सकता है, बॉडी हो सकता है, क्यूब हो सकता है, रिंग हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है, हमें तो बस एनर्जी पास करवानी है। क्या पास करवानी है, एनर्जी। और फिलहाल क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी को कौन रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। कैसे राजा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। बहुत बढ़िया। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जब हम दर्शाएंगे किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो उसको नापने के लिए कोई ना कोई मेजरमेंट तो चाहिए होगा। तो उस मेजरमेंट का नाम है राजा बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आप सबको बेसिक क्लियर हो गया कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं आपको, एकदम क्लियर, वेरी गुड। वैसे ही राजा बेटा किसी जगह से मैग्नेटिक एनर्जी भी पास होगी, तो मॉड्यूल नंबर 5 में आपको आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ाया। अब आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं। यकीन मानिए अगर आप ये सीख गए तो आगे का चैप्टर हलवा है, हलवा कुछ भी नहीं है। आपको फ्लक्स निकालना आज के बाद बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से इसको डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे राजा बेटा, फाई ई से। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप देखिए, आप देखिए जितनी ज्यादा आप खुद फील करो, क्या फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी क्या उतनी ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ ना तो बोल। और जितनी ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या मैं बोल सकता हूं उस जगह से क्या उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप समझने की कोशिश करें, इट इज काउंट ऑफ बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस एसोसिएटेड विद एन एरिया। फील आ जानी चाहिए कि भैया किसी जगह से, किसी एरिया से, किसी बॉडी के सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड है, क्रॉस कर रही है। एसोसिएटेड का मतलब बोलता हूं उसको क्रॉसिंग। ये देख मैंने शब्द ऊपर भी लिखा है डेफिनेशन में, क्रॉसिंग एन एरिया। बहुत बढ़िया, सिंपल बात। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहां पर एक दरवाजा बना रहा हूं, फील कराऊंगा आपको जम के। एक दरवाजा मैंने बनाया, बना दिया, ध्यान से सुनिए। अब अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दरवाजे में से यू पास करूंगा, नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दरवाजे में से यू पास करूंगा, तो क्या सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल जाएंगी या निकल जाएंगी, निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, क्या सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दरवाजे को क्रॉस कर जाएंगी। अभी बस आपको कोई डाउट नहीं पूछना है, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑफ डाउट, जस्ट डू लिसन व्हाट आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज फंस जाओगे, फील नहीं आएगी। पहले मुझे बताओ क्या इस दरवाजे में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ई की, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है जिसकी वैल्यू ई है, अगर वो इस दरवाजे में से जाएगी तो क्या क्रॉस कर जाएगी, बिल्कुल क्रॉस कर जाएगी बेटा। यहाँ पर एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्बेंस कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल क्रॉस कर जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवे ये किसी को नहीं छोड़ती, वैक्यूम में ट्रेवल कर जाती है, तो ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो राजा बेटा सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर देंगे। सुनिएगा आप, एक पतला सा दरवाजा था, विंडो कह लो आप इसको, विंडो कह लो ये लो, और ये और इजी कर देता हूं, क्या इस विंडो में से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल जाएंगी या निकल जाएंगी, जल्दी बोलो यार, निकल जाएंगी या निकल जाएंगी, निकल जाएंगी। क्यों निकल जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी थी और इस दरवाजे का, इस विंडो का ओरिएंटेशन भी ऐसा था। पर अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, अगर मैं दरवाजा ऐसा बनाऊं, अगर मैं दरवाजा ऐसा बनाऊं, पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बना रहा हूं, सुनो, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस दरवाजे को क्रॉस कर रही है, क्या क्रॉस कर रही है, क्या सेम दरवाजा है, सेम दरवाजा है। क्रॉस करना मतलब होता है, मैं आपको बताता हूं क्रॉस करने का मीनिंग क्या होता है, आपको फील आ जाएगी क्रॉस करने का मतलब क्या होता है। मेरी स्क्रीन पे देखो, मेरी स्क्रीन पे देखो, क्या आपको सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, हाँ, अब क्या मैं दिख रहा हूं, मैं सबको दिख रहा हूं, बहुत बढ़िया। क्या आपको ये पेपर दिख रहा है, पेपर, क्या आपको ये पेपर दिख रहा है, क्या सबको पेपर दिख रहा है, ओके गुड। अब मान लीजिए ये जो मेरा पेन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इधर देखो, ये जो मेरा पेन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सुनना मेरी बात, सोचो ये
ये क्या ये क्रॉस कर रही है? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है? हाँ ना बोल, क्या ये क्रॉस कर रही है? हाँ। अच्छा ये क्रॉस कर रही है, देखिए कैसे क्रॉस करना कहते हैं क्या? क्या इस दरवाजे में से एनर्जी निकल रही है क्या? क्या इस दरवाजे में से एनर्जी निकल रही है क्या? क्या इस दरवाजे से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एसोसिएटेड है क्या? क्या एसोसिएटेड है? नहीं है। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस सरफेस से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, क्या वो फ्लक्स इन दोनों के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करना चाहिए या नहीं चाहिए? जल्दी बोलिए, चाहिए या नहीं चाहिए? ओरिएंटेशन पे डिपेंड करना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। तो ध्यान से सुनिए, क्या फाई ई को मैं फॉर्मूला बोल सकता हूं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर? सर ये कैसे आया? आप फील करोगे तो मजा आएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्यों हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, मैं आपको उसकी भी फील दे दूंगा जम के, बस आपको मेरी बात सुननी है। आप मुझे बताओ ये जो पेपर है क्या आपको उसका सरफेस दिख रहा है? हाँ जी। अब आप मुझे देखो, क्या ये सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है? क्या ये जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है या नहीं? देखो आप, है या नहीं? है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाती, इधर देखते जाना नहीं तो काम की बात छूट जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाती तो क्या ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाता? होता या नहीं होता? होता या नहीं होता? वेरी गुड बेटा, नाउ यू आर गेटिंग कि सरफेस, अगर जिस सरफेस से आपको फ्लक्स निकालना है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए? जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए? परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको? देखो यहां पे दिख रहा है, बहुत क्लियरली फील कराया मैंने आपको, परपेंडिकुलर दिख रहा है। ये एनर्जी कहीं से भी निकाल सकते हो बेटा, आप कहीं से भी, आप खुद में से भी इलेक्ट्रिक करंट पास करके फ्लक्स निकाल सकते हो, आप अपनी चेयर में से भी पास करके निकाल सकते हो, आप अपने बॉक्स में से भी पास करके निकाल सकते हो, कहीं से भी, बस आपको फ्लक्स कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो भाई साहब ध्यान से सुनिए, फ्लक्स जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और उस सरफेस की ओरिएंटेशन दोनों पे डिपेंड करता है। तो भाई साहब उसका फॉर्मूला जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो फॉर्मूला है राजा बेटा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आपको बताऊंगा, फील करूंगा अभी डॉट क्यों है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। भाई साहब ये ए क्या है? एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस। ओ तेरी, सर अभी तक तो हमने एरिया सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ पढ़ा था या पाई आर स्क्वायर पढ़ा था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं क्या एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है स्केलर? जल्दी बोलो आप, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है स्केलर? एरिया वेक्टर या स्केलर? जल्दी बोलो, यही तो गलती है, आप सामने देख रहे हो तो भी गलत बोल रहे हो बेटा। एरिया इज 11th क्लास में पढ़ाया होगा आपको यार, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं सिखाया क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कुछ याद आ रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, परेशान मत हो। देखो इधर बस आप मेरी बात सुनो बस, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब आप रिएक्शन मत दो और सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है भाई? एरिया नहीं, और अच्छे से बोलूं मैं, एरिया ऑफ अ सरफेस, एरिया ऑफ अ सरफेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, दिमाग बहुत शांत करके आपको पीना चाहिए। एरिया ऑफ अ सरफेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, ये हमें याद रखना है बेटा। एक्चुअली हम इस आम जीवन में, नॉर्मल लाइफ में, हमें कभी भी एरिया के डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम सिर्फ एरिया को लेंथ इनटू ब्रेथ ले लेते हैं, इसलिए हम सिर्फ एरिया को पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं सरफेस का। पर राजा बेटा एक्चुअल में अगर आप फिजिक्स के टर्म से बात करेंगे तो बेटा एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कौन सा क्वांटिटी होता है राजा बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो राजा बेटा एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? तो ध्यान से सुनिए, जनरली जनरली वी टेक डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, अभी आपको फील आ जाएगा, परपेंडिक्यूलर टू द सरफेस। पहले बताओ क्या एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है? क्या एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है? हाँ। फिर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? कि सर जो भी सरफेस का आपको एरिया वेक्टर चाहिए उसके सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर।
अब मैं आपके सामने, मैं जहां पर बैठा हूँ, स्क्रीन आपको ही दिखनी चाहिए। क्या आप सभी को ये स्क्रीन दिख रही है? क्या ये पेपर दिख रहा है? हाँ बेटा, सबसे पास होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी से भी पास हो जाएगी, किसी से भी। इधर देखो, क्या आपको पेपर दिख रहा है? ओके, अब आप मुझे बताओ इस पेपर से फ्लक्स जीरो कब होगी? इस पेपर से फ्लक्स जीरो कब होगी? जल्दी बोलो, इस पेपर से फ्लक्स जीरो कब होगी? सर जीरो तब होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल जाए। हाँ, अब इसको दूसरे टर्म्स में समझो। अब इसको कान एक नहीं दूसरी तरफ से पकड़ो, बात बराबर ही है। आप मुझे बताओ इस वाले पेपर का एरिया वेक्टर किधर होगा? इस वाले पेपर का एरिया वेक्टर किधर होगा? सर इस वाले एरिया का, इस वाले सरफेस का क्या एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? पहले बताओ, ये आपको दिख रही है लाल कलर का, ये लाल कलर का पेन क्या आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखा रहा है? दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? जल्दी बोलो, क्या सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर? हाँ जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही थी बताओ? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी? अब मुझे बताओ आप, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कितना एंगल बना? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कितना एंगल बना? एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कितना एंगल बना? जल्दी बोलो, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कितना एंगल बना? जीरो। क्या बात है, कि 90, कि 90, जीरो की 90। अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाल, ये है तेरा एरिया वेक्टर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अब तो बता दे एंगल, 0 की 90 सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखो 0 की 90। अब अगर 90 है, ठीक है, आप मुझे बताओ अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है तो क्या इससे एनर्जी क्रॉस हो रही है? क्या क्या इस पेपर से एनर्जी क्रॉस हो रही है? क्या आप मुझे बताओ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही तो क्या एनर्जी क्रॉस हो रही है? क्या नहीं हो रही? तो जब एनर्जी क्रॉस नहीं हो रही मतलब फ्लक्स जीरो होना चाहिए, और फ्लक्स जीरो है, और फ्लक्स जीरो है इसका मतलब आप खुद देखें क्या फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर शुड बी ई ए कॉस थीटा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब आप मुझे बताओ इस केस के लिए क्या मैं एरिया वेक्टर इधर मान लू? इधर देखो, क्या मैं एरिया वेक्टर इधर मान लू? हाँ सर। और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मान लू? हाँ सर। एंगल बोलिए, एंगल बोलिए 90। तो क्या फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या जीरो होगी नहीं होगी? अरे जीरो होगी या नहीं होगी? होगी। चलो इस वाले केस पे आओ, इस वाले गाइस कम ऑन, इस वाले केस पे आओ। सर एरिया वेक्टर इधर, सर एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो थीटा बोलो, थीटा, थीटा बोलो, थीटा जीरो। वेरी गुड, थीटा बोलो, थीटा जीरो। मतलब फील कर रहा हूं पेपर से, देख पेपर से, देख देख पेपर से, देख देख ये पेपर से देख, तेरे को दोनों वेक्टर्स दिख रहे होंगे देख, और दोनों वेक्टर्स पैरेलल है देख, देख दोनों वेक्टर्स पैरेलल है देख, देख दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, दिख रहे दोनों वेक्टर्स पैरेलल? देखो देखो दोनों वेक्टर्स पैरेलल दिख रहे? वेरी गुड। क्या यहां तक बात क्लियर है बेटा? तो पहली बात, एक तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने कैसे लाया है, ये आपको फील कराया है, क्यों हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ला रहे हैं ये भी आपको फील कराया गया है। हाँ ना, बोले यार, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये आपको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने किसी क्वेश्चन में एरिया वेक्टर इस दिशा में मान लिया तो आपको पूरे क्वेश्चन में एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में मानना है। यदि आपने एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में मान लिया तो वो पूरे क्वेश्चन में एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में मानना है। एरिया वेक्टर होता है, फील कर लो, डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, याद कर लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए होता है या ई ए कॉस थीटा होता है। नाउ व्हाट इज थीटा? इट इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना तो बोल बेटा, फील है, जम के फील होगी अब तो, तुझे समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी क्रॉस कैसे करती है। गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यार ऑफलाइन होता ना तो मैं और बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूं, पर अभी तुझे इतनी बात से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुझे फील आ जानी चाहिए, बहुत बढ़िया। बेसिकली कुछ नहीं है बेटा, ये एनर्जी का काउंट है, वो एनर्जी तुझे कैलकुलेट करनी है। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर लेंगे। ये फॉर्मूला बेटा याद करना, एक बात और सुनना, एक बात और इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला शुड बी यूज्ड, दिस फॉर्मूला शुड बी यूज्ड
only if electric field is uniform. Hello, if electric field is uniform. बेटा अभी क्वांटा वांटा पे मत जाओ, पहले मेरी बातें सुन लो जीवन में, नहीं तो ना क्वांटा रहेगा ना ये बातें रहेंगी, है ना? तो द्रोणाचार्य की बातें सुने. इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो ही ये फॉर्मूला आपको लगाना है. तो अब आपको फील आना चाहिए सर, वेक्टर होगा तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, उस पर भी मैं आपको फील कराऊंगा कि भैया अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा. ध्यान से सुनिएगा, नॉन यूनिफॉर्म कि किसी सरफेस से, कि किसी सरफेस से इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म सर कैसे है, फील कराओ सर, फील कराओ सर कैसे है नॉन यूनिफॉर्म. ध्यान से देखो, मैं एक स्फेयर ले रहा हूं, जब भी मैं आपको स्फेयर बोलू ना, जब भी मैं आपको स्फेयर बोलू तो या तो सॉलिड बोलूंगा या हॉलो बोलूंगा, या तो सॉलिड बोलूंगा या हॉलो बोलूंगा. अभी फिलहाल हॉलो स्फेयर मान लो, आपको कैसे फील करना है हॉलो स्फेयर, प्लास्टिक की बॉल, आपको कैसे फील करना है प्लास्टिक की बॉल, क्या प्लास्टिक की बॉल हॉलो स्फेयर है? हाँ, बहुत बढ़िया. अगर मैं इसके सेंटर पे कोई चार्ज रख दूं क्यू, फोकस करना, अगर मैं इसके सेंटर पे कोई चार्ज रख दूं क्यू, तो मुझे बताओ इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा. मना मत करना, लास्ट टर्म पे बता दिया है, इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, क्या पैटर्न ऐसा होगा, क्या सारी बाहर जाती भी जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जहां एनर्जी वहां, एनर्जी जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा. रेडियली आउटवर्ड जाएंगी, बहुत बढ़िया. अब रेडियली आउटवर्ड जाएंगी, फील कीजिएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएंगी, पहले आप मुझे बताओ इस स्फीयर की सरफेस, ये लाल कलर की क्या स्फीयर की सरफेस दिख रही है आपको? मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा, बहुत बेसिक से. क्या आपको इस स्फीयर की सरफेस दिख रही है? हाँ. अब आप मुझे बताइए सरफेस पे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में. कह दो कि पूरे स्फीयर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है या नहीं? और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब फॉर अ स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म. अरे यार, यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए ना. तो आप मुझे बताइए इस स्फीयर के लिए क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है? हाँ, पर आपको अगर क्वेश्चन बोल दे फाई थ्रू स्फीयर कि नहीं, आप तो फिर भी निकालो कि भैया फाई थ्रू स्फीयर क्या होगा. तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, फाई ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए. सुनिए जरा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए. क्यों फॉर्मूला ऐसा लगाया, क्यों फॉर्मूला ऐसा लगाया? क्योंकि क्या हमें एक छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा डी ए, लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? इससे पहले वाले सवाल में हमने डायरेक्ट ई ए कर दिया था, ई डॉट ए लिख दिया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी. पर क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या राजा बेटा हम ये लेंगे? अब आप फील करो, इफ ई इज यूनिफॉर्म, अगर राजा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो बताओ यही फॉर्मूला मैं कैसे रिड्यूस करता हूं. देख पुराना वाला फॉर्मूला कैसे लाता हूं. देख, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी? अरे यूनिफॉर्म का मतलब कॉन्स्टेंट होता है, तो क्या वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी? आ जाएगी जी. तो ये देखो ई, अब इंटीग्रेशन डी ए, यार डी एक्स का एक्स, डी वाई का वाई, डी जेड का जेड, तो डी ए का ए. क्या बात है, अद्भुत अद्भुत, वेरी गुड गाइस, आप यू आर एक्चुअली गेटिंग इट नाउ. तो क्या आपको पुराना वाला फॉर्मूला क्लियर है? क्या आपको पुराना वाला फॉर्मूला क्लियर है? तो भैया फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर तब यूज करेंगे, जब यूज करेंगे, जब आपको क्या याद रखना है, ध्यान से सुनिए, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो. और नॉन यूनिफॉर्म तो राजा बेटा आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. सर इस स्फीयर वाले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आगे अभी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा. बस आपको अभी बात समझ में आनी है कि ये जो मैंने यहाँ पे किया है कि हमें फॉर्मूला यूज करना है. अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो मैंने यहाँ पर एक गोल वाला साइन लगाया है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ बेटा, ऐसे हम बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल. ये मैं आगे बढ़ाऊंगा अभी आपको, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल.
अभी आप बस सुनिए, बस मेरी बातों को सुनिए और ऑब्जर्व कीजिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए कि यार ऐसा कुछ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं काम की बात करूं, खैर ये ठीक है लिखा हुआ है, कोई बुराई नहीं है, मैं आपको बता देता हूं एरिया वेक्टर भी इन्होंने ये लिखा है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए, ये सारी बातें मैंने यहां समझा दी है आपको। हां ना बोल यार, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से सुनिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, कम ऑन, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला। बेटा सारी सरफेसेस से पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको टेंशन ही नहीं करनी। आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि लकड़ी का लकड़ी की रिंग है तो उसमें से फ्लक्स कितनी होगी, सब जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती है, सब जगह से। अरे एक्सरेज जो है वो भी तो, जो अगर आप सिंपल से, आप लाइट जो है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कहीं से भी ट्रैवल कर सकती है, कहीं से भी। तो बेटा देख, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला, कम ऑन, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, कभी तो हाँ ना बोलो कि हमें छोटा सा एरिया मानना पड़ेगा। हाँ सर मानना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए आइए डायमेंशंस एंड यूनिट, इसमें चर्चा कर लेते हैं, डायमेंशंस एंड यूनिट, डायमेंशंस एंड यूनिट पे चर्चा कर लेते हैं। भैया जल्दी बोलो डायमेंशंस, पहले यूनिट निकालते हैं। सर आपने बोला फाई का फॉर्मूला होता है ई बे, मैं अभी थीटा जीरो ले रहा हूँ, कॉस जीरो, क्या मैं फाई का फॉर्मूला ई ए बोल सकता हूँ? हाँ सर बोल सकता हूँ। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कैंसिल होगी साहिल, थोड़ा डाउट ध्यान से देखो यार, आप अभी मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ आप पता नहीं क्या डाउट पूछ रहे हो बेटा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप क्या डाउट पूछ रहे हो, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रही है यहाँ पर, क्यों एक्ट कैंसिल होगी स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैंसिल हो जाएंगी, स्फीयर में तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इस क्यू चार्ज की क्यों कैंसिल होगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रही है, कैंसिल क्यों होंगी? ई ए कॉस फाई, तो हमें फाई की यूनिट चाहिए बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर यूनिट नहीं याद, सर सर यूनिट नहीं याद, अगर नहीं याद तो फॉर्मूला लगा के फटाफट यूनिट निकाल लिया, तो एफ बराबर क्यू ई, तो ये ई बराबर एफ बाई क्यू, तो देख यहाँ एफ बाई क्यू इंटू ए, अरे अब तो बोल सकता है यूनिट, यूनिट बोल, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हेलो, अरे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम चलेगा क्या, पक्का है क्या? ओके बेटा एक जीवन में बात याद रखना, 12 स्टूडेंट्स, मास्टर जब जो पढ़ा रहा है पहले उसको जम के समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप अपने डाउट में फंस गए ना तो आपको आगे की एक भी चीज समझ में नहीं आई, इसलिए आप अपना डाउट बाद में क्लियर कीजिएगा, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, मैं एक चीज नहीं छोड़ूंगा, ये प्रॉमिस है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बेटा ये आपका फाई का यूनिट आ गया। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो लो आ जाओ डायमेंशंस भी ले लेते हैं, भैया न्यूटन के डायमेंशंस बोलो। सर न्यूटन के डायमेंशन होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम एल, ध्यान से देखिएगा, एम एल टी माइनस टू, इसमें कोई बुराई, इसमें कोई कष्ट नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मीटर स्क्वायर क्या एल टू हो जाएगा, हाँ जी। कूलम मतलब चार्ज, चार्ज मतलब क्यू, क्यू बराबर क्या आपको आई टी याद है फॉर्मूला क्लास 10th, आई बराबर क्यू बाई टी, तो आई क्या हो जाएगा भाई साहब एम्पियर, टाइम क्या हो जाएगा भाई साहब टी, कभी तो हाँ ना बोलो, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे लाल, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला फ्लक्स का आ जाएगा वो आ जाएगा एम वन एल थ्री ए माइनस वन टी माइनस थ्री, हाँ ना बोलो, पक्का क्लियर 100%, ओके आगे बढ़ते हैं। भाई साहब फाई कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्यों स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज आप देख पा रहे होंगे हमने जो फाई का फॉर्मूला लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो ई डॉट ए है, अब ई डॉट ए है राजा बेटा, मतलब ऑब्वियसली स्केलर है, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर होगा, यूनिट हमने निकाल लिया, इसको हम वोल्ट पर मीटर भी बोल लेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेन कॉपी छोड़ दो, कोई कुछ नहीं लिखेगा, कुछ भी नहीं लिखेगा, नीट की कसम है, कुछ लिखा तो आज सुनो। सर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर थोड़ी सी एरिया वेक्टर में प्रॉब्लम आई है, तो उस एरिया वेक्टर की प्रॉब्लम को मास्टर सॉल्व करने के लिए सारी बातें कर रहे हैं। बेटा आपको एरिया किसका मिलेगा, सरफेसेस का, बहुत अच्छी बात है। अब सरफेसेस राजा बेटा दो बॉडीज की होती हैं, या तो कोई बॉडी 2D हो और या कोई बॉडी 3D, स्फीयर भी, स्फीयर की भी तो सरफेस होती है बेटा, उसका सरफेस एरिया होता है 4πr², तो राजा बेटा 2D सरफेसेस को हम बोलते हैं प्लेन सरफेस,
खुली हुई होती है ये, खुली हुई मतलब आप देखो ये सिंपल सी बात बताऊं मैं, ये स्क्वायर प्लेट है, खुली हुई है बंद, खुली हुई या बंद है बेटा, चारों तरफ से बस एक साइड से बंद है इस साइड से, बाकी यहां से खुली है ये, यहां से खुली है ये, यहां से खुली है ये, यहां से खुली हुई है बेटा। जनरली प्लेन सर्फेस को बोलते हैं ओपन सर्फेसिस, कौन सी सर्फेसिस, ओपन सर्फेसिस। आपको ज्यादा फील कब आएगा, जब मैं आपको 3D सर्फेसिस के बारे में बात करूंगा राजा। बेटा 3D सर्फेसिस होती है क्लोज्ड सर्फेसिस, कौन सी बेटा, क्लोज्ड सर्फेसिस। अब क्लोज्ड कौन सी हो गई, तो राजा बेटा ध्यान से सुनिएगा, पहली क्लोज सर्फेस में बनाना चाह रहा हूं स्फेयर, प्लास्टिक की बॉल क्लोज्ड है या खुली है जल्दी बोलो, प्लास्टिक की बॉल क्लोज्ड है या खुली है, क्लोज्ड है। तो ये जो स्फेयर हो गया ना बेटा ये 3D हो गया, क्या हो गया, हो गया 3D, और इस सरफेस को क्या बोलेंगे राजा बेटा, क्लोज्ड सर। चलो और पूछो, अच्छा सर और बताओ, और बताओ सर, और बताओ, मजा आ रहा है सरफेसेस, और बताओ सर फील आ रही है, मजा आ रहा है, पहले बताओ ये क्लोज्ड है ओपन है, क्यूब, क्यूब क्लोज्ड है ओपन है, क्लोज्ड है, वेरी गुड वेरी गुड। सिलेंडर क्लोज्ड है ओपन है, ओपन है ये, क्यों, हल्का सा ऊपर से खुला है नीचे से खुला है, अगर आप इसको बंद कर दोगे ना यहां से देखो आप ये अब क्या है, ये अब क्या है, ये कम ऑन अब क्या है, ये क्लोज्ड, ये हुई ना बात, वेरी गुड। अब आपको फील आनी चाहिए क्लोज सिलेंडर इज क्लोज्ड, वेरी गुड। अच्छा प्लेन सर्फेसेस की बात करते हैं, रिंग, रिंग ओपन, रेक्टेंगल ओपन, स्क्वायर ओपन, डिस्क, डिस्क भी ओपन ही होगी बेटा, वो भी तो 2D सरफेस है, ओपन ही होगी, 5 रुपए का सिक्का ऊपर से कुछ भी डाल सकते हैं उस पे, हां जी। तो ये सारी सर्फेसेस ओपन है, क्या आपको ओपन और क्लोज सर्फेसेस का फील आया है, ओपन और क्लोज सर्फेस। अच्छा ये सर्फेस ओपन है क्लोज है, सामने सामने ये वाली, ये वाला पेपर, पेपर ओपन क्लोज्ड, पेपर पेपर ओपन, थैंक यू। अब प्लेन सर्फेसेस मतलब ओपन सर्फेसेस, प्लेन और ओपन सर्फेसेस में एरिया वेक्टर क्या लेंगी, तो ध्यान से सुनिए, एरिया वेक्टर इन ओपन सर्फेसेस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हां जी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो भाई साहब इसका एरिया वेक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसका एरिया वेक्टर क्या बाहर की तरफ आएगा, इसका एरिया वेक्टर भी क्या बाहर की तरफ आएगा, इसका एरिया वेक्टर क्या बाहर की तरफ आएगा, मैं आपसे पूछूं चलिए बताइए इसका, इसका एरिया वेक्टर, चलो कम ऑन इजी कर देता हूं, क्या इसका एरिया वेक्टर राजा बेटा ऐसा आएगा, हाँ या नीचे भी आ सकता है कोई बुराई नहीं है। आप एक बात ध्यान रखना, आपने यदि एक क्वेश्चन में आपको आया है और आपने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये मान ली, तो पूरे क्वेश्चन में आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही माननी है बेटा, चेंज मत करना, ये बात ध्यान रखिए, क्या बात क्लियर है। तो बेटा प्लेन सर्फेसिस के लिए, प्लेन सर्फेसिस के लिए, 2D सर्फेसिस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा सर्फेस के परपेंडिकुलर होता है। सर क्लोज सर्फेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए राजा बेटा, क्लोज सरफेस के लिए मैं सारी बातें आज लिख ज्यादा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा फील आएगी, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज, नोट्स अच्छे से बनाना बेटा बहुत अच्छे से, 13 तारीख के टेस्ट में लास्ट क्लास तक जो पढ़ाऊंगा वो पूछा जाएगा, इसलिए डेली रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, शब्द को समझे, आउटवर्ड नॉर्मल गाइज, व्हाट इज आउटवर्ड नॉर्मल, व्हाट इज आउटवर्ड नॉर्मल, बता रहा हूं आउटवर्ड नॉर्मल, देखो आप ये इसका सेंटर है, अब इस स्फीयर की सरफेस का परपेंडिकुलर क्या यही होगा, क्या यही होगा आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर निकलता हुआ और सरफेस के नॉर्मल, बाहर निकलता हुआ और सरफेस के नॉर्मल, एंगल बोलो 90, एंगल बोलो 90, एंगल बोलो 90, एंगल बोलो 90,
या ये भी कह सकते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, ये भी एक नया शब्द है, रेडियली आउटवर्ड्स एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है, कहां 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 तक किसकी लेनी है, 3D सरफेसेस की। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल। बहुत बढ़िया, चलो इस क्यूब में बताओ आउटवर्ड नॉर्मल, इस क्यूब में बताओ आउटवर्ड नॉर्मल, क्या इसका ऊपर होगा, क्या इसका इधर होगा, क्या इसका नीचे होगा, क्या इसका इधर होगा। हेलो, फ्लक्स निकालते वक्त एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और पीछे वाले का बाहर के, उसके पीछे बाहर की तरफ, और यहां वाले का आगे बाहर की तरफ, क्या आपको एरिया वेक्टर की फील आ गई बेटा? अरे आई नहीं आई, यहां है, बोलो एरिया वेक्टर, ये 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 ये, क्या ये एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होगा? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। वेरी गुड, शानदार, मतलब आपको फ्लक्स में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैलकुलेट करना आया कुछ कुछ, फिर आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आज हमने निकालनी सिखाई है, ये भी आपको बहुत अच्छे से फील आनी चाहिए कि भैया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होती है। चलिए, तो अब आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, ओपन सर्फेसेस आप देख पा रहे हैं, क्लोज सर्फेसेस अब आप देख पा रहे हैं, क्या सभी देख पा रहे हैं स्लाइड को, सभी लोग? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए आइए, बहुत बढ़िया, पहला सवाल, पहले बताओ आपको ये सरफेस क्या दिख रहा है, क्लोज्ड है ओपन है, क्लोज्ड है ओपन है, ओपन है, स्क्वायर स्क्वायर ही होगा, कुछ भी होगा, उसका एरिया ए है। आपसे पूछिए फाई थ्रू द सरफेस, आप बताओ फाई थ्रू द सरफेस, फाई थ्रू द सरफेस, फाई थ्रू द सरफेस। अरे मेरे लाल, ये तो वही केस हो गया जो अपन ने पढ़ा, देखा भी ये रहा पेपर, क्या है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल जा रही है, हाँ वेरी गुड, और क्या एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, क्या एरिया वेक्टर ऐसे आएगा बेटा, अरे आएगा या नहीं आएगा? अगर मैं आपको उसको और फील कराना चाहूं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये देखो ये ऐसा कुछ है एक्चुअली, अरे है या नहीं, अरे है या नहीं, ओके अब आप मुझे बताओ ई और ए में एंगल, सर एरिया वेक्टर तो ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रही है, एंगल इज 90, क्या इसका एरिया वेक्टर बाहर आएगा, तो थीटा इज व्हाट 90, तो फाई थ्रू द सरफेस इज 0, फील आई नहीं आई, फील आई नहीं आई, ओके ओके। अब आप सोचो इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है नो एनर्जी फील, फील नो एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द सरफेस, फ्लक्स जीरो होने का एक मतलब हमें समझ में आया, इससे कोई एनर्जी एसोसिएट नहीं है, कूल आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ये रिंग है, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये रिंग है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका रेडियस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पर है, भाई साहब फाई थ्रू रिंग, 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 जीरो, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया, जीरो, सब जीरो आएगा, सब जीरो ही आएगा, और क्या, जीवन में है ही सब जीरो साला, जीरो। अरे भाई क्या ये रिंग सरफेस आपको दिख रही है, हाँ सर ये रिंग सरफेस है, सबसे पहले आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दो यार, सबसे पहले एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दो, क्या एरिया वेक्टर ऊपर मान लूं, अरे मान सकता हूं क्या एरिया वेक्टर ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर, अरे मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं? अब आप मुझे बताओ ये एरिया वेक्टर इस सरफेस से कितना एंगल बनाएगा, जल्दी बोलो यार, इतना भी आना चाहिए बच्चों यार, कम ऑन, क्या ये एंगल 90 है? हाँ, मुझे फाई बराबर ये कॉस थीटा में थीटा किस किसके बीच में चाहिए होता है, थीटा किस किसके बीच में चाहिए होता है, थीटा किस किसके बीच में चाहिए होता है, बोलो, एरिया एंड फील्ड, तो एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एंगल कितना होगा, जल्दी बोलो, ये एंगल क्या, दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा, होगा या नहीं होगा? भाई बहुत सिंपल बता रहा हूं, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है ये। अब जब बहुत सिंपल होगा तो फाई का फॉर्मूला हो जाएगा ई ए
कॉस 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? तो आंसर आ गया ई ए साइन थीटा। क्या आंसर आया लाला? ई ए साइन थीटा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सबका आंसर आ चुका है। वेरी गुड राजा, ई ए साइन थीटा। चलिए सेकंड वाले पार्ट का आंसर, फाई फाई थ्रू रिंग, फ्लक्स थ्रू रिंग, फ्लक्स थ्रू रिंग, क्यू जीरो, क्यू जीरो, क्यू जीरो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या थीटा 90 होगा? क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, एकदम आउटवर्ड नॉर्मल, तो थीटा विल बी 90। और यार आप खुद से फील करके देख सकते हो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है क्या, रिंग को क्रॉस कर रही है क्या? तो जब क्रॉस ही नहीं कर रही तो कोई एसोसिएटेड ही नहीं होगा, और जब एसोसिएशन नहीं होगा तो फ्लक्स जीरो होगी। हेलो, फील आ रही है ना भाई साहब? अरे जम के आ रही है। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल आप सभी के सामने, ये रहा भाइयों बहनों गुड प्रॉब्लम। फ्लक्स कैलकुलेशन पे चार पांच सवाल करा देता हूं। E बराबर E नॉट आई कैप, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है क्वेश्चन में, इज पासिंग थ्रू क्यूब। अब किसी को मजा आ रहा है तो वो लिखे नहीं कि मजा आ रहा है। फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। बेटा पुराना क्वेश्चन आप बाद में रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, आप नए क्वेश्चन की तरफ आ जाओ तो ये भी मिस आउट हो जाएगा। E बराबर E नॉट आई कैप, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है। आई कैप का मतलब, आई कैप का मतलब क्या, एक्स डायरेक्शन में, हाँ बहुत बढ़िया। इज पासिंग थ्रू क्यूब, इज पासिंग थ्रू क्यूब, बहुत बढ़िया। तो फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। अरे कन्हैया जीवन में फोकस करना सीखो, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं फ्लक्स का, आप पूछ रहे हो जो लास्ट टेस्ट में आएगा क्या वही आएगा? बेटा यही तो मतलब हमें, मतलब कैसे फोकस हम करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, आप टेस्ट पे ध्यान दे रहे हो। आदमी जीवन में एक जगह टिक जाए ना, प्रधानमंत्री बन जाता है। अब आप पे निर्भर करता है। E बराबर E नॉट आई कैप इज पासिंग थ्रू क्यूब, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। राजा बेटा लो, बहुत सिंपल है, इसमें क्या बड़ी बात है? पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आपको बताता हूँ, फील कराता हूँ। क्या राजा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है या नहीं, पहले बोलो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? भाई साहब मैग्नीट्यूड E नॉट है, डायरेक्शन आई कैप है, यूनिफॉर्म है। तो क्या मैं फॉर्मूला फाइव बराबर ई ए लोग लिख सकता हूँ? क्या मैं फाइव बराबर ई ए लिख सकता हूँ? अच्छा कुछ बोल रहे हैं हमें कैसे पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वाह क्या मजा आ गया भाई साहब। अरे भैया E नॉट मैग्नीट्यूड है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, और आई कैप डायरेक्शन है जो चेंज नहीं हो रही, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। गाइज इतना आना चाहिए। अब आपसे मैं पूछता हूं, इस क्यूब के फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब में इसका मतलब यह है क्यूब के हर फेस से फ्लक्स निकालना है बेटा तुझे, हर फेस से फ्लक्स निकालना है तुझे। अरे यार क्यूब से पूछा है तो क्यूब के हर एक फ्लक्स, फ्लक्स मतलब क्यूब के हर एक फेस से पूछेंगे ना कि भैया तेरे से जारी नहीं जारी, तो आप मुझे बताओ मैं इन फेसों को नंबर देता हूं, 1 2 3 4, सामने वाला 5, पीछे वाला 6, सबके एरिया वेक्टर बनाओ। क्या 3 वाले का एरिया वेक्टर ऊपर? हाँ सर। 4 वाले का नीचे? हाँ सर। 5 वाले का बाहर? हाँ सर। 6 नंबर का पीछे? हाँ सर। 1 नंबर का इधर होगा या नहीं होगा? होगा। 2 नंबर का इधर होगा नहीं होगा? होगा। हाँ ना बोल भाई। अरे होगा नहीं होगा? होगा। क्यूब नहीं दे रखा तो उसकी साइड ए ले ले बेटा, क्यूब की साइड ए ले ले, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, 5 थ्रू 1, 5 थ्रू 1, 5 थ्रू 1,
कैंसिल कैंसिल, ओ माय गॉड, कैंसिल कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में? कितना होगा? 90? हाँ बोलो 90, जीरो बोलो जीरो, अरे 180 है मेरे भाई, कितना सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो भैया 5 through 1 क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 180। क्या मैं इसको माइनस ई ए लिख सकता हूं? बहुत बढ़िया, 5 through 2 बेटा, इससे इजी ना मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे इजी मतलब मैं आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब ये 11वीं से भी नीचे की बात कर रहा हूं मैं। ई ए क्या एरिया वेक्टर इधर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, ई और ए में एंगल जीरो, तो ई ए कॉस जीरो, बहुत बढ़िया, तो इस सरफेस से फ्लक्स आई प्लस ई ए, बहुत बढ़िया। 5 from 3 जीरो, क्यों जीरो, क्यों जीरो सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, क्या एंगल 90 है, मतलब क्या फ्लक्स जीरो हो जाएगा? बहुत बढ़िया। सिमिलरली 5 through 4 सिमिलरली 5 through 4 जीरो, पक्का, ओके। 5 through 5 जल्दी बोलो, 5 through 5 अरे बेटा 5 through 5 भी जीरो, 5 through 6 भी जीरो, सिर्फ जिनका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आई कैप और माइनस कैप में, आई कैप में आएगी, उन्हीं के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। पक्का, क्लियर, पक्का। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, कुछ अच्छी अच्छी बातें हम सवालों के साथ सीखेंगे। नेगेटिव फ्लक्स इंडिकेट्स व्हाट? नेगेटिव फ्लक्स इंडिकेट व्हाट? आप कुछ बच्चों के आपके मन में डाउट आया होगा कि यार नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या है, तो राजा बेटा नेगेटिव फ्लक्स को साइंटिस्ट लोग बोल गए इनकमिंग फ्लक्स। आज के बाद ध्यान रखना, कहीं फ्लक्स नेगेटिव आ रही है इसका मतलब समझना कि यार उस सरफेस पे फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, मतलब ध्यान से सुनना, एंटर कर रही है, एंटर कर रही है मतलब इट इज नोन एज इनकमिंग फ्लक्स। कौन सी फ्लक्स राजा बेटा? नेगेटिव फ्लक्स इंप्लाइज इनकमिंग फ्लक्स। राजा बेटा फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी राजा बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो माइनस ई ए समझ में आया आपको? माइनस ई ए कैसे आया? अब इस माइनस ई ए का मैं सिग्निफिकेंस दे रहा हूं कि भैया माइनस नेगेटिव फ्लक्स इंडिकेट्स इनकमिंग फ्लक्स, तो इसका ऑपोजिट बताओ, इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या भाई? इसका ऑपोजिट मतलब पॉजिटिव फ्लक्स इंडिकेट्स व्हाट, इंडिकेट्स व्हाट, कम ऑन बोलिए। वेरी गुड यार गाइज, यू आर एक्चुअली ऑसम। कुछ बच्चे तो ऐसे धम करके आंसर देते हैं ना कि पूछो मत, हमें बेटा फ्लक्स को फील करना है तो हमें कुछ छोटी छोटी नई नई बातें याद होनी चाहिए। कहीं से फ्लक्स नेगेटिव निकल कर आ रहा है, इसका मतलब वहां से उस सरफेस से फ्लक्स एंटर कर रहा है, और कहीं से फ्लक्स पॉजिटिव निकल कर आ रहा है तो उसमें से फ्लक्स आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है। खैर यहां तक की बात अगर क्लियर है, अब आप मुझे बताओ फाइव थ्रू क्यूब क्या हो जाएगा? 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4 + 5 5 + 5 6 होगा या नहीं होगा? और राजा बेटा माइनस ई ए प्लस ई ए जीरो 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 इज इक्वल टू क्या जीरो हो गया? इज इक्वल टू क्या जीरो हो गया? इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब मैं यहां पे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां जीरो फ्लक्स क्या इंडिकेट कर रहा है ये बताओ आप।
एकदम जम के फील आ जाएगी अगर ये समझ में आ गया। सर पहले पहले वाले इस स्क्रीन की तरह देखो, इस स्क्रीन की तरह देखो सर, पहले वाले केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं जा रही थी तो सर पहले वाले केस में फ्लक्स जीरो इसलिए था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं हो रही थी, उससे एसोसिएटेड ही नहीं थी। और इस वाले क्वेश्चन में नेट फ्लक्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब यह है कि क्या जितनी आ रही है क्या उतनी ही जा रही है? हेलो, क्या जितनी आ रही है क्या उतनी ही जा रही है? तो क्यूब के अंदर से तो कोई एनर्जी रुकी नहीं, क्यूब के अंदर तो कोई एनर्जी रही नहीं, क्यूब के अंदर से तो कुछ रहा ही नहीं, जितनी आ रही है उतनी जा रही है। इंप्लाइज व्हाट? जीरो फ्लक्स यहां ये इंडिकेट कर रहा है दैट टोटल इनकमिंग फ्लक्स, या आपको ना बेसिक बनाएगा बहुत स्ट्रॉन्ग, इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग फ्लक्स। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? कोई एनर्जी इसने इनटेक नहीं करी, जितनी आई उतनी ही बाहर कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। ये फील है बेटा जीवन की, ये फील ले ली तो आप मतलब अब आपके अंदर पोटेंशियल आ गया, आप बहुत चीजें समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजें। खैर, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैं ये रख रहा हूं अगला क्वेश्चन। फाइंड फाइव थ्रू स्फीयर, कम ऑन, फाइंड फाइव थ्रू स्फीयर, कम ऑन। इसको मैं बताता हूं, इसको मैं बताता हूं, ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। फाइव थ्रू स्फीयर, फाइव थ्रू स्फीयर, कुछ बच्चों ने आंख बंद करके आंसर जीरो दे दिया, मैं कह रहा हूं शाबाश, वेरी गुड, जीरो ही होगा क्योंकि आप डायग्राम से भी देख पा रहे होंगे, आप डायग्राम से भी देख पा रहे होंगे कि यार जितनी फील्ड लाइंस एंटर करिए ना, देखो आप उतनी ही बाहर भी जा रही है, जा रही है या नहीं जा रही है? तो यार फाइव थ्रू स्फीयर तो जीरो है, क्यों जीरो है? क्योंकि अभी पढ़ा कि यार टोटल इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू, यदि टोटल आउटगोइंग फ्लक्स हो जाए तो भाई साहब फ्लक्स जीरो होगी, उससे कोई एसोसिएशन नहीं आएगा। पर नहीं, मैं आपको इसको दूसरे तरीके से भी बताता हूं फील करके कि फ्लक्स जीरो क्यों आई। सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार, ये रिंग नहीं है पहली बात तो। हे राम, मेरा मनोबल ऐसे तोड़ते हो, ये रिंग है, ये रिंग है क्या? तुम लोग ऑफलाइन में मिलो मेरे को, मैं सही कह रहा हूं, मिलो मतलब। सिक्स्थ क्लास में था मैं, जब मेरा फ्रेंड मेरे साथ मजाक कर रहा था, तो जब वो बैठा तो नीचे मैंने कंपास रख दिया था उसके, तो जब मैं सिक्स्थ क्लास में ऐसा कर सकता हूं तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। कुछ बोल रहे सर, हम भी बड़े हो गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खैर आइए, फाइव थ्रू स्फीयर की बात चल रही है, फाइव थ्रू स्फीयर राजा बेटा जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है? जीरो। क्यों आ रहा है बताता हूं मैं बेटा। क्या मैं इस स्फीयर को बिल्कुल फील करो, क्या मैं इस स्फीयर को दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं? ध्यान से देखना आप, ध्यान से ये समझ ले, आनंद आ जाएगा तुझे। आज कुछ होमवर्क ही नहीं दूंगा, बस तुझे ये चीजें ढंग से याद होनी चाहिए, एकदम ढंग से, कुछ होमवर्क नहीं है आज। थोड़ा और बड़ा बनाता हूं ताकि फील आएगी। क्या मैं इस स्फीयर को दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं? क्या फील करवा रहा हूं मैं, क्या मैं इनको दो हेमिस्फीयर में तोड़ सकता हूं? अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आपको मिल जाएगा? बहुत बढ़िया। अब आज को आपको ना घर जाके एक्सपेरिमेंट करना है। कभी कभी हमें 3D सरफेसेस में सरफेस का एरिया का फील नहीं आता। सर क्यूब वाले क्वेश्चन में फील आ गया था, क्यूब वाले क्वेश्चन में फील आ गया था कि सर सभी स्क्वायर्स बनेंगे, पर यहां वाले में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यू पास करेंगे, यू पास करेंगे बेटा, देखो आप इधर देखो अच्छे से फील करना कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यू पास करेंगे तो सर फ्लक्स जीरो कैसे आएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ऐसे केस में राजा बेटा फॉर, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं,
फ्लक्स थ्रू एनी आर्बिट्ररी शेप्ड ऑब्जेक्ट इज फाई बराबर ई इंटू प्रोजेक्शनल एरिया। ओ माई गॉड, कौन सा एरिया? जल्दी बोलो, कौन सा एरिया? प्रोजेक्शनल एरिया। अब ये प्रोजेक्शनल एरिया क्या होता है? ये आपको सिर्फ तभी लगाना है जब आपको फील नहीं आए कि यार क्यूब तो नहीं है, फिर मैं कैसे सोचूं इसका प्रोजेक्शनल एरिया क्या होगा। तो बेटा एक कुछ भी नहीं कह रहा हूं, हिंदी में समझना प्रोजेक्शनल एरिया कैसे निकालते हैं। जिस सरफेस का प्रोजेक्शन एरिया निकालना हो ना, उसको सामने रख दो, उसको सामने रख दो और वहां से लाइट पास कर दो, तो जो लाइट की शेडो, इस ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनेगी, शेडो, वो शेडो राजा बेटा आपको क्या देगी? प्रोजेक्टेड एरिया। कौन सा एरिया भैया? प्रोजेक्टेड एरिया। कौन सा एरिया? प्रोजेक्टेड एरिया। मैं इसकी डेफिनेशन दूं, इट इज एन एरिया परपेंडिकुलर टू लाइट। बहुत बढ़िया। इट इज एन एरिया परपेंडिकुलर टू लाइट। अरे आपको कुछ पास थोड़ी करनी है लाइट यार। अरे भावुक मत हो यार, मैं सब बता दूंगा तुम्हें, तुम भावुक मत हो, बस सुनो। इट इज एन एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइट। ओके, अब जब एरिया परपेंडिकुलर टू लाइट है तो थोड़ी देर के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या आप लाइट मान सकते हो? हेलो, क्या इस थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप लाइट मान सकते हो? हाँ। अब आप मुझे बताओ, इस हेमिस्फीयर नंबर वन और हेमिस्फीयर नंबर टू में, हेमिस्फीयर नंबर वन मान लेते रेडियस आ रहे हैं, चलो हेमिस्फीयर नंबर वन का कौन सा एरिया परपेंडिकुलर है? आप मुझे बताओ एरिया, हेमिस्फीयर नंबर वन का कौन सा एरिया परपेंडिकुलर है? कम ऑन, कौन सा एरिया परपेंडिकुलर है? ये सर्क्यूलर वाला है या नहीं? यही तो एरिया परपेंडिकुलर है। इसको थोड़ा और डेप्थ में लेके चलता हूं तो क्या ये कुछ ऐसा दिख रहा है? हमें तो सिर्फ परपेंडिकुलर एरिया से मतलब है, वो एरिया, इट इज एन एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइट। नया शब्द है, कुछ नई चीजें सीखो ना यार, फील करा रहा हूं मैं। देखो मेरी बात सुनो, इसका आंसर तुम पहले जीरो दे चुके, पर मैं तुम्हें फील करके बता रहा हूं कि जीरो कैसे आया होगा। क्या मैं इन दोनों स्फीयर्स को अब ऐसे ही बना सकता हूं? बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं? बना सकता हूं। अब आप मुझे बताओ, लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर का क्या एरिया वेक्टर इधर आएगा और राइट वाले हेमिस्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है आउटवर्ड नॉर्मल। हमेशा ध्यान रखो, आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ आएगा। अब आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट है और एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और एरिया वेक्टर इधर है, तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ फ्लक्स माइनस ई नॉट ए होगा और क्या यहाँ फ्लक्स प्लस ई नॉट ए होगा और क्या यहाँ फाइनेट जीरो होगा या नहीं होगा? अरे हाँ ना तो बोल। तो प्रोजेक्टेड एरिया नाम अगर मैं तुझे दूं तो डर मत। व्हाट इज प्रोजेक्टेड एरिया? एरिया परपेंडिकुलर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट, एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या फील आ चुका है? हाँ, शेडो से जो एरिया बनेगा, या ये मान लो शेडो से जो एरिया बनेगा। यार आज तो मुझे बहुत बढ़िया और लंबा पढ़ाने की इच्छा हो रही है, आज इंटरेस्ट बन रहा है जम के, एकदम जम के इंटरेस्ट बन रहा है। शेडो से बनने वाला एरिया, आज एरिया पर पीएचडी कर ली हमने। कुछ तो बोल रहे हैं, अरे सर नहीं सर, प्राण निकल जाएंगे हमारे। अरे यार बेटा, हम तो भूखे थे हमारे जब मास्टर पढ़ाता था, भूखे थे। खैर कोई बात नहीं, तो हमें ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि भैया आर्बिट्ररी मतलब कोई सा भी शेप बेटा, कोई सा भी शेप हो सकता है, पक्का। चलो अब आप मुझे बताओ, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दिस आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस। कम ऑन, डायरेक्ट आंसर दो। ओहो, जीरो। क्या यहां पर भी वो एरिया वेरिया मानो या फील आ गया है? सर यहां तो मान ही नहीं पाएंगे, स्क्वायर में तो फिर भी मान लिया था। हाँ ना बोल यार, बहुत बढ़िया, गुड, शानदार, बहुत ही बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन यही पूछ लेता हूँ। देखो जरा अभी टाइम है यार, पढ़ते हैं, आओ जरा एक क्वेश्चन और।
ये एक हेमीस्फेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं आ रही हैं, रेडियस आर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स जीरो, आउटगोइंग फ्लक्स जीरो कैसे पॉसिबल है बेटा? आउटगोइंग फ्लक्स कैसे जीरो होगा? अरे तू इसको ऐसे समझ, क्या यहां से लाइट आ रही है? हाँ, इस लाइट का परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा? क्या यही होगा या नहीं होगा? होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। आपसे पूछ रहा हूं आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स मतलब आंसर पॉजिटिव देना है, मतलब आंसर पॉजिटिव देना है, आउटगोइंग फ्लक्स पूछ रहा हूं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ई नॉट, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूं? ई नॉट 2πr². अरे हाँ ना तो बोलो, ई नॉट 2πr². और अगर मैं आपसे इसकी जगह पूछ लेता यहां इनकमिंग फ्लक्स, वो पूछेगा तुझसे, जम के पूछेगा, चिंता मत कर, इनकमिंग फ्लक्स, तो क्या तू आंसर यहां माइनस ई नॉट 2πr² दे देता? हाँ ना बोल यार, 2πr² कैसे आया? वाह, अरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता ना, अरे होता है या नहीं होता है? एक मिस्टेक है यहां पे, देखो एक मिस्टेक है, देखो देखो एक मिस्टेक है। ये सही है कि ये सही है? जल्दी बोलो, ये सही है कि ये सही है? जल्दी बोलो, अरे बोलो यार, जो रिंग बन रही है वही एरिया तो हमें चाहिए बेटा, ये वाला, ये रेडियस आर। वेरी गुड, वेरी गुड। सरफेस एरिया की बात होती तो इसमें पूरा आता, ये भी आता और ये भी आता, पूरा आता, पर हमें तो सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए साहब, ये वाला एरिया, तो पाई आर स्क्वायर है। अरे हाँ ना बोल यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये करके लेके आना, एक क्वेश्चन में आपको ये दे रहा हूं होमवर्क, घर से करके लेके आना। पूछा है फाई फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि भैया आपके पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर पे एक सेंटर पे चार्ज क्यू पड़ा है, तो आपको इस स्फीयर से फ्लक्स निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? फ्लक्स। क्या फ्लक्स जीरो होगी? क्या फ्लक्स जीरो होगी? यही तो गलती है। पहले इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनाइए, अब आप ये बताइए क्या फाई थ्रू स्फेयर आपको जीरो दिख रहा है क्या यार? ये बताओ, बस एक मिनट में जा रहा हूं फिर। क्या फाई थ्रू स्फेयर आपको जीरो दिख रहा है क्या भाई? नहीं भैया नहीं, जीरो तो तब होगा जब जितनी आई उतनी गई, जीरो तो तब होगा जब जितनी आई उतनी गई, पर यहां से तो सिर्फ जा ही जा रही है। तो बेटा मैं बोल देता हूं फाई थ्रू स्फेयर विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आप ट्राई करके लाएंगे? क्या आप घर से ट्राई करके लाएंगे? ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। स्टार्टिंग से पूछूंगा टेस्ट में, कहां तक पूछूंगा? गॉस लॉ तक। कहां तक पूछूंगा? गॉस लॉ तक। कहां से? स्टार्टिंग से। गॉड ब्लेस यू बेटा, परसों मिलते हैं, टाटा।